किसी को सुन के, किसी की प्रोसेस को उठा के अगर तुम कुंडल लेने के पीछे लग गए तो तुम पछताओगे जीवन में। लेकिन बहुत से जगह पे तुम ये पाओगे कि कुंडलिनी जागरण, बेवकूफ है वो लोग जो कुंडलिनी जागरण के पीछे लगे कि अगर कुंडलिनी का तुम्हारे भीतर स्फोट हो जाए तो वो तुम्हारे भीतर एक पागलपन निर्मित करेगा, तुम समझ भी ना पाओगे कि हो क्या रहा। कुंडलिनी क्या? जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, अध्यात्म के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि कुंडलिनी क्या। ये सबसे निचलतम स्तर का या नीचे का चक्र है जो तुम्हारे पूरे जीवन को संचालित करता है। चाहे हमारे कर्म हो, उसके प्रति हमारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, डर है, ये सारे कुंडलिनी से ही जुड़े हैं। लेकिन बहुत से जगह पे तुम ये पाओगे कि कुंडलिनी जागरण, बेवकूफ है वो लोग जो कुंडलिनी जागरण के पीछे लगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसमें किस तरह की ताकत है। और जो आदमी तुम्हारी कुंडलिनी जागरण करा रहा है, दूर हट जाना उससे, क्योंकि होगा ये कि पागलपन आ जाएगा तुम्हारे जीवन, क्योंकि उसके बाद की प्रोसेस क्या है वो भी नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते। ये ऐसे ही है कि कोई लावा, कोई ज्वालामुखी फटे, अब उसके बाद क्या करना है वो नहीं जानता। तो समझदार इंसान कुंडलिनी जागरण के पीछे लगेगा भी नहीं, वो अपनी साधना में अविरत रहेगा। जब भी ऊर्जा ऊपर ऊपर धीरे धीरे चढ़े तो ही सही। ये ऐसे ही समझना कि अगर कोई धरन तुमने बांधा, कोई डैम बांधा है, और अगर वो धड़ से पूरा का पूरा डैम फूट जाए तो नदिया में पूर आ जाएगा, बह जाएंगे गांव के गांव, बह जाएंगे हजारों लोग, अपने जीवन से छूट जाएंगे, उन्हें बड़ी तकलीफ होगी, उस नदी के आसपास रहने वाले लोगों का जीवन तहस नहस हो जाएगा। कोई भी डैम अगर अचानक से फूट जाएगा तो उसमें का जो पानी है वो जनजीवन को प्रभावित करेगा, और वो भी गंदी तरह से। और वही अगर उसे सीमित मात्रा में हमेशा रोज रोज छोड़ा जाए तो तुम पाओगे कि हर किसी का जीवन फला फूला अच्छे से रहा। तुम पाओगे कि अगर उसी ऊर्जा को धीरे धीरे दिया गया तो सही मात्रा में उसने काम भी किया, तुम्हारे काम भी आए। ये ऐसे ही समझना कि अगर कुंडलिनी का तुम्हारे भीतर स्फोट हो जाए तो वो तुम्हारे भीतर एक पागलपन निर्मित करेगा, तुम समझ भी ना पाओगे कि हो क्या रहा, और सामने वाला भी। तो एक तो गुरु के पास जब तुम बैठो तो ही इन प्रयोगों से जाओ, जो जानता है कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। वैसे इंडिविजुअली इन प्रयोगों को ना किया तो बेहतर। किसी को सुन के, किसी की प्रोसेस को उठा के अगर तुम कुंडलिनी के पीछे लग गए तो तुम पछताओगे जीवन, क्योंकि वो लावे की जैसे, वो डैम को फोड़ने के जैसे, उस इतनी प्रचंड ऊर्जा के साथ आगे क्या करना है तुम नहीं जानते। बेहतर यही है कि डैम थोड़ा थोड़ा पानी दे रोज, तो कुंडलिनी से थोड़ी थोड़ी ऊर्जाएं ऊपर उठे, धीरे धीरे तुम्हारा विकास, धीरे धीरे ऊर्जाओं के स्तर तुम्हारे भीतर बढ़े। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में तुमने आंख बंद कर दी और हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने आज अपने बच्चे को स्कूल में डाला और शाम को आते आते वो डिग्री लेके आया हाथ। ये उसी तरह से हर चीज धीरे धीरे होती है, समय के साथ होती है, तुम्हें तैयार किया जाता है। शरीर को भी तैयार करना होगा बड़ी चीजों के लिए। तो कुंडलिनी के पीछे मत लगना, कुंडलिनी जागरण के पीछे मत लगना। कोई एक बेसिक प्रोसेस लेके, बेसिक प्रोसेस के साथ अपनी आध्यात्मिकता की शुरुआत करना, वही बेहतर होगा, और तभी तुम्हारे जीवन में कुछ होने की संभावना भी बचे। अदरवाइज तुम्हारा भी हाल उसी तरह से होगा जैसे केदारनाथ में आई हुई प्रचंड बाढ़ के साथ वहां के लोगों का हुआ।